नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस संक्षिप्त परिचर्चा में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली जो है प्रति वर्ष बजट प्रस्तुति के पूर्व में जो है सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बजट में जो बातें कही गई होती हैं, जो प्रावधान किए गए होते हैं, उनकी समीक्षा की जाती है कि उसका क्रियान्वयन कहाँ तक हो पाया है। तो इस संक्षिप्त चर्चा में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। एक तो इसका क्या अर्थ है, क्या आशय है, इसको देखेंगे, और दूसरा इसमें कुछ तथ्यात्मक पहलू हैं, इसको कवर करेंगे। तथ्यात्मक पहलू को जो कि प्रारंभिक परीक्षा इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, और अगला कुछ समसामयिक विषय है। समसामयिक पक्ष को इसमें देखेंगे। तो ये तीन जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आर्थिक सर्वेक्षण का आशय क्या है? प्रतिवर्ष जो है सदन में बजट के प्रस्तुति के पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष के बजट क्रियान्वयन, उसके समीक्षा या विकास की समीक्षा से संबंधित जो वित्त मंत्रालय के द्वारा वार्षिक आर्थिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है, वही आर्थिक सर्वेक्षण कहलाता है। यानी कि जब बजट फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे इस वर्ष का बजट जो प्रस्तुत किया गया, तो उसके जस्ट 2 से 3 दिन पहले जो है वह वित्त मंत्री के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है, और उस आर्थिक दस्तावेज में पिछले वित्तीय वर्ष के जो बजट प्रस्तुत किए गए होते हैं उनके क्रियान्वयन से संबंधित सारी बातें उसमें कही जाती हैं। यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा सदन में बजट के प्रस्तुति के पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के क्रियान्वयन एवं विकास की समीक्षा से संबंधित वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक आर्थिक जो है दस्तावेज को आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। अब इसमें 2 आधारों पर इसकी चर्चा अगर करें तो निष्कर्ष निकलता है, एक तो क्रियान्वयन के आधार पर और दूसरा जो है प्रस्तुति के आधार पर। जैसे हम अगर इसमें देखें क्रियान्वयन के आधार पर, तो ये जो है क्रियान्वयन के आधार पर बजट के बाद प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 2021 और 22 इसका बजट जो है फरवरी 21 में प्रस्तुत किया गया था, फरवरी जो है 21 में प्रस्तुत किया गया था, और इसकी जो आर्थिक समीक्षा है वो फरवरी जो है या सोमवार को प्रस्तुत किया गया है, ये सोमवार को प्रस्तुत किया गया है, तो ये 2022 की जो है जनवरी, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह बाद में प्रस्तुत किया है, बजट प्रस्तुति के बाद प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अगर हम बजट को ध्यान में रखें, बजट प्रस्तुति के आसपास को देखें, तो यह बजट के पूर्व में, यानी कि जब हम 2022 और 23 का बजट अभी प्रस्तुत किया गया, 2022 और 23 का बजट हम यहां पे जो है फरवरी में अभी प्रस्तुत किया गया है, पहले यह फरवरी के लास्ट में प्रस्तुत किया जाता था पिछले 2 वर्षों से, जो है ये फरवरी के जो है प्रारंभ में प्रस्तुत किया जाता है। और इसके पीछे ये तर्क और दिया जाता है कि सामान्यतः बजट पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय इसमें मिल जाता है, सदन में इस पर पर्याप्त जो है चर्चा हो पाती है। इन कारणों से इसे जो है फरवरी के लास्ट की बजाय फरवरी के जो है फर्स्ट वीक में इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो अब यहाँ पे बजट के आसपास की अगर देखा जाए तो बजट के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वहां पर यह ध्यान में रखना है कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो आगे का प्रस्तुत होता है और आर्थिक समीक्षा पीछे का प्रस्तुत किया जाता है। तो 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया और उसी के 2 से 3 दिन पहले जो है 21 और 22 की जो है आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है। तो कहने का मतलब क्रियान्वयन के आधार पर कि जैसे जो बजट प्रस्तुत किया गया उसका क्रियान्वयन जो हुआ, पुनः उसके बाद जो है उसकी आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई कि 21-22 का बजट जो है वो 21 फरवरी में प्रस्तुत किया गया था और अब आकर के ये जो है 2022 में उसकी आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई। लेकिन उसी के पास में जो है वो बजट भी प्रस्तुत किया जाता है जो कि अगले आगे के वित्तीय वर्ष का होता है। तो उसके आसपास को अगर ध्यान में रखा जाए
तो आर्थिक समीक्षा उसके पहले प्रस्तुत किया जाता है। अब आर्थिक समीक्षा में किन बातों को देखा जाता है? पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी आर्थिक प्रावधान हमने बजट में किया हुआ था उसका क्रियान्वयन किस हद तक हुआ, एक चीज तो ये हो गई कि उसका क्रियान्वयन जो है कितना हुआ और किस चीज का क्रियान्वयन हम लोग नहीं कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, और जो समस्याएं थी उसका कारण, और पुनः जो है इसके क्रियान्वयन के लिए जो है क्या प्रावधान हम कर रहे हैं, क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्या नीतियां बना रहे हैं, ये सभी बातें जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण में जो है प्रस्तुत किया जाता है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष के जो है बजट के पूर्व में जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके माध्यम से आर्थिक सर्वे पढ़ना भी चाहिए, आर्थिक सर्वे से जो है सरकार के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी मिलती है और ये पता चलता है कि कहां तक किस हद तक जो है इसमें प्रगति हुई है और कहां कमियां रही हैं, उस कमियों से निपटने के लिए सरकार के क्या आर्थिक दृष्टिकोण है जो कि आगे के समय में जो है अपनाए जाएंगे। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है और वित्त मंत्रालय के द्वारा अभी सोमवार को जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही विस्तृत 350 पृष्ठों में जो है प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जो है बजट के सभी पक्षों को जो है सम्मिलित करने का जो है और सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण को बताने का प्रयास किया गया है। अब हम कुछ तथ्यात्मक पहलू को भी इसमें जो है समझने का प्रयास करें जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। पहली बार जो आर्थिक जो सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था ये 1950 और 51 में जो है प्रस्तुत किया गया था। ये ध्यान में रखना है कि उस समय जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता था वो बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था और ये 1964 तक चला। 1964 के बाद जो है 1964 से इसे जो है पृथक किया गया और ये बजट के पूर्व में प्रस्तुत किया जाने लगा, यानी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण अब जो है वो बजट के साथ ना होकर के बजट के पूर्व में प्रस्तुत किया जाता है और ये 1950 से लेकर के 51 तक जो है साथ में ही जो है प्रस्तुत किया जाता था। और ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। वित्त मंत्रालय का एक आर्थिक मामलों का प्रभाग होता है जिसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक मामलों का प्रभाग जो है इसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक मामलों के प्रभाग के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया जाता है और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में बनाया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के जो मार्गदर्शन में जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बनाया जाता है और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के प्रभाग के द्वारा जो इसे प्रस्तुत किया जाता है। एक और चीज यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे जो केंद्र और राज्य के द्वारा जो है शासन जिन विषयों पर किया जाता है उन विषयों को जो है केंद्र में जो है मंत्रालय उन विषयों से संबंधित जो काम करते हैं वो मंत्रालय होते हैं और राज्यों में उसे जो है विभाग कहा जाता है। जैसे शिक्षा विभाग हो गया, खाद्य एवं रसद विभाग हो गया, इसी तरीके से कई विभाग यहां पर हैं, लेकिन केंद्र में जिन विषयों पर जो है शासन किया जाता है वो मंत्रालय के नाम से जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पे वित्त विभाग नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय होता है। अब हम स्टेट में अगर बात करेंगे तो वहां वित्त विभाग हो जाता है, तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय होते हैं और वो कई छोटे छोटे जो है विषयों से संबंधित होता है, उसे वहां प्रभाग या विभाग के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाता है वित्त मंत्रालय, केंद्र की हम बात चुकी कर रहे हैं, और आर्थिक सर्वेक्षण जो बात की जा रही प्रस्तुत किया गया है वो केंद्र के जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उसका जो एक शाखा है आर्थिक मामलों का प्रभाग जिसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में ये जीव चीज बनाई जाती है। और अगला ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पूर्व में अगले वित्तीय वर्ष के जो है पूर्व में जो है बजट के पूर्व में जो है प्रस्तुत किया जाता है। ये तो बात हम लोगों ने पहले ही कर लिया कि बजट के ये जो है पूर्व में प्रस्तुत किया जाता है और इससे जो है
पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के क्रियान्वयन की स्थिति जो है स्पष्ट होती है कि कहां तक हम लोग सफल हुए हैं और कहां इसमें भी कमियां हैं जिसको भी पूरा करने की आवश्यकता है। यद्यपि यह जो है गैर बाध्यकारी किस्म का होता है, गैर बाध्यकारी का तात्पर्य यह है कि इसका क्रियान्वयन जो आर्थिक सर्वे में बताई गई बातें हैं वह किसी कानून की तरह से जो है बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन इससे दृष्टिकोण का पता चलता है और इसके आधार पर जो है सरकार काम करने का जो है प्रयास करती है, लेकिन इसे कहीं चैलेंज नहीं किया जाता, इसीलिए इसको गैर बाध्यकारी जो है कहा गया है। तो यह कुछ जो है इसके तथ्यात्मक जो है पहलू थे जिसके आधार पर परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न विषयों में जो है समसामयिक घटनाओं में आप रुचि रखते हैं तो निश्चित तौर पर इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना भी चाहिए। कुछ समसामयिक जो पक्ष हैं उसको अगर हम लोग देखें तो वर्तमान समय में वित्तीय कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण जो है सदन में जो प्रस्तुत किया गया, यह लगभग 350 पृष्ठ का जो है विस्तृत जो है आर्थिक दस्तावेज है जिसके माध्यम से जो है बजट के विभिन्न क्रियान्वित पक्षों को जो है बताने का प्रयास किया गया है, और 2021 और 22 में लगभग जो है 9.2% के जो विकास दर होने की जो बात इसमें लगभग कही गई है कि ये हो सकता है, क्योंकि ये आगे की डेट में जो है क्लियर होता है स्पष्ट रूप से, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि 9.2% जो विकास दर रहेगी। और इसी तरीके से 2022 और 2023 में जो है इसके 8 से लेकर 8.5% जो है विकास दर रहने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। विश्व बैंक और IMF के द्वारा अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया है वो ये है कि 8 से 8.5 के बीच में जो है भारत की जो है वृद्धि दर विकास दर रहने की संभावना है, और 31 दिसंबर 2021 को भारत में जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो 633 मिलियन डॉलर था। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको जानना भी चाहिए। सामान्यतः आर्थिक सर्वे एक वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाता है तो उसके आंकड़े आगे की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, या आप कुछ कन्वर्सेशन में भी इसका प्रयोग करते हैं तो आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए कंटेंट और विचार जो है प्रभावी माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 2-3 फैक्ट थे जो समसामयिक घटनाओं से जो है संबंधित हैं और आर्थिक सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण बात के रूप में जो अभिव्यक्त होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित बातें आपको जो समझ में आ गई होंगी, और इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया उसके समसामयिक महत्वपूर्ण पक्षों को भी हम लोगों ने देख लिया, आर्थिक सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण भाग को भी जो है एक अवधारणा के रूप में हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित बातें आपको जो समझ में आ गई होंगी। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।